इंडिया टीवी आपकी आवाज। साल 2014 का पहला ज्योति सिंह अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड टेलीकॉम श्री रविशंकर प्रसाद। आपसे निवेदन है कि आप विनर के नाम की घोषणा करें प्लीज। विनर का नाम है फातिमा खातून। देह व्यापार के दलदल से लड़कियों को निकालने के लिए फातिमा खातून एक फरिश्ते की तरह जी जान से जुटी हैं। फातिमा जब 9 साल की थी तब उन्हें शादी के नाम पर नरक में झोंक दिया गया। बिहार के फारबिसगंज में उनकी सास महिलाओं से जबरन जिस्म फरोशी करवाती थी। फातिमा कई बार भागकर नेपाल में अपने घर गई लेकिन वापस उसी जहन्नुम में भेज दी गई। फिर भी फातिमा की हिम्मत नहीं टूटी। फातिमा ने अपनी जंग जारी रखी। 2004 में फारबिसगंज के रेड लाइट इलाके में फातिमा ने पहला महिला संघर्ष समूह शुरू किया। वो अब तक दर्जनों लड़कियों को जिस्म फरोशी के जाल से निकाल चुकी हैं। फातिमा की ये जंग उन तमाम महिलाओं के लिए उम्मीद का सवेरा है जिनकी जिंदगी देह व्यापार की अंधेरी दुनिया में डूबी है। हिम्मत बुलंद है अपनी, कदमों तले आसमां रखते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हम, औरों की खातिर ये जान रखते हैं। Officers Choice Salaam India Awards, an India TV initiative in association with Amrapali Group, सम्मान आम लोगों के खास जज्बे का। Ladies and gentlemen, as she's walking up, please give her a resounding applause. Fatima, we'd like to hear from you, please. मैं यहाँ सारे अतिथिगणों को अपनी और अपनी जो जितनी भी महिला है उनकी उम्मीदों को मैं साकार करने में लगी हुई हूँ। मैं सब आप सभी को इंडिया टीवी को सबको शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ।